हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एग्जाम तैयारी आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक टॉपिक देखेंगे जो कि रह गया था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे अक्सर जो है क्वेश्चन आते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ही आते हैं आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके पेडागोजी सेक्शन में भी आते हैं तो आइए देखते हैं तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इशूज़ इन सोशल कंस्ट्रक्ट आपने देखा भी होगा कि जैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी क्लास में एक टीचर है जो कि लड़कियों से बोलता है कि ये काम करो लड़कों से बोलता है ये काम करो तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि जो कि जेंडर बायसनेस को दिखाते हैं वो टॉपिक को हम देखेंगे तो सबसे पहले तो बात है कि आपको समझना कि लैंगिक और लिंग के मध्य अंतर क्या है यानी जेंडर और सेक्स, सेक्स में क्या डिफरेंस है ठीक है देखिए लिंग या सेक्स जो है आप सब जानते हैं कि लड़के और लड़के जो होते हैं उनका क्या है? एक बॉडी पार्ट है जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे में जो अंतर है और ये जो अंतर है वो क्या एक शारीरिक संरचना तो वो एक अपरिवर्तनीय संरचना हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्राकृतिक प्रदत्त्य हमें प्रकृति ने दिया है लेकिन जेंडर क्या होता है यानी लैंगिक जो भेदभाव है लैंगिक क्या है तो जेंडर है वो समाज लड़के और लड़कियों में अलग अलग प्रकार के व्यवहार की आशा रखता है और दोनों को अलग अलग कार भूमिका निर्धारित करता है यानी जेंडर क्या है कि जब हम हमारे हमारा जो समाज हमारी जो सोसाइटी है वो एक ऐसी धारणा बना ले या वो लोगों को काम में बांट दे कि लड़के जो हैं वो ये काम करेंगे या लड़की जो है वो ये काम करेगी ठीक है तो वो हो जाता है हमारा कहलाता है हमारा जेंडर ठीक है जैसे कि आ, हमारे आपने देखा होगा कि जब पेपर होता है फॉर्म फिल किया जाता है तो वहाँ पर दिखा दिया होता है सेक्स तो आपको मेंशन करना होता है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं है ना तो जेंडर में क्या आप से, सिंपल से देखे जाए तो क्या है सामाजिकरण के पश्चात स्त्रियों और पुरुषों के विकसित व्यक्तित्व को हम जेंडर कह सकते हैं समाजीकरण के पश्चात ठीक है अब दोनों में डिफ्रेंस क्या है हमारा जो लिंक था उसमें क्या था कि ये एक प्राकृतिक है ठीक है इसमें हम क्या कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? लेकिन जो हमारा जेंडर है वो क्या वो समाजीकरण के फलस्वरूप बनता है यानी हमारे जो समाज के जो विचार हैं उनका जो व्यवहार है उसके हिसाब से बनता है जो वो लड़के या लड़कियों के प्रति रखते हैं तो उसको जेंडर कहते हैं जैसे कि आ, या फिर हम कह सकते हैं कि हम लड़के और लड़कियों को क्या बनाते हैं ये जेंडर है जैसे आ, क्या हो गया कि कुछ लोग मानते हैं कि लड़के जो हैं वो कैसे होते हैं ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और लड़कियाँ जो होती हैं वो कम बुद्धिमान होती हैं या कुछ लोग मानते हैं कि लड़के जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं और लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं तो ये क्या ये हमारे समाज के विचार हैं ये ऐसा नहीं है ना कि प्रकृति ने उन्हें बना दिया है कमज़ोर या आपने देखा होगा ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में लड़कियाँ नहीं जाती हैं रेस्लिंग में लड़कियाँ नहीं जाती हैं तो इसका क्या मतलब है क्या वो कमज़ोर होती हैं नहीं ये हमारे सिर्फ विचार हैं और जिनके बेसिस पर हमने क्या लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर दिए हैं तो वो क्या है वो जेंडर है ठीक है अब जेंडर की क्या बात है कि जेंडर परिवर्तनशील है ठीक है हम जेंडर क्या है क्योंकि हमारे विचारों से बना है तो हमारे विचार जो है वो परिवर्तनशील हर संस्कृति के विचार परिवर्तनशील है हर व्यक्ति के विचार जो है परिवर्तनशील है तो जेंडर भी क्या है परिवर्तनशील है और ये समाज निर्मित है ये प्राकृतिक नहीं है प्रकृति के द्वारा दी हुई देन नहीं है बल्कि ये क्या है सामाजिक समाज द्वारा निर्मित है समाज विशेष भूमिकाएं कार्यों विशेषता और उम्मीदों को लड़कों या लड़कियों के आधार पर आरोपित करता है जो कि जेंडर भेदभाव का निर्माण करता है यानी जेंडर तो आपको पता चल गया कि हमने लड़के या लड़कियों को कुछ बता मतलब मान लिया हमारे विचार मान लिए कि ऐसा लड़के ऐसा होते हैं और लड़कियां ऐसे होती हैं तो जेंडर के आधार पर क्या है हमारा समाज क्या करता है भेदभाव करता है यानी हमारे जो भी उनको कार्य दे दिए हैं या उनकी आप कह सकते हैं विशेषताओं के आधार पर या उम्मीदों के आधार पर या भूमिकाओं के आधार पर क्या है हम भेदभाव करते हैं जैसे भूमिका के आधार पे कैसे भेदभाव करते हैं कि हम मानते हैं कि जो एक लड़का है उसका कार्य है कि वो घर के बाहर के काम करे और लड़की का कार्य है कि वो घर को संभाले ठीक है विशेषता के आधार पर जैसे मैंने बोला कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान हैं लड़कियाँ कम बुद्धिमान है या लड़के स्ट्रांग हैं लड़कियाँ वीक हैं ये और उम्मीद के हिसाब से क्या है जैसे कि लड़कों से उम्मीद की जाती है लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो कम बोले है ना और कैसी रहें सुशील हो और विनम्र तरीके से बात करें ये सारी चीज़ें जो है वो भेदभाव की जाती है और लड़कों को मान लेते हैं अरे लड़के तो गुस्से वाले होते ही हैं उन्हें तो गुस्सा आता ही है तो ये सब क्या है ये हमारे जो समाज है उसके द्वारा हमने विचार जो है वो रख लिए हैं और उसके आधार पर हम भेदभाव करते रहते हैं तो लैंगिक जो भेदभाव है यानी कि जो जेंडर बायसनेस है उसका क्या है क्या प्रकार है और क्या स्रोत है यानी किन किन तरीक़ों से ये भेदभाव जो है वो किए जाते हैं पहला है घर के कार्य में विभाजन सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत हो जाती है इसकी कि आप देखोगे कि माता पिता ही भेदभाव करने लगते हैं लड़कियों को बोलते घर के काम करो आप ठीक है लड़कों से नहीं घर के काम कराते हैं आ, उनको बोलते हैं अरे तुम्हारा भाई है तुम इसके खाना परस के दो बर्तन उठा के रखो ये सारी चीज़ें दूसरी बात है परिवार वो माता पिता और हाँ और ये भी है कि घर बाहर के जो काम होते हैं उनको बोलेंगे कि मार्केट जाना ये सब लड़कों को बोलेंगे लड़कियों को मना कर देंगे इसके अलावा क्या है संसाधन व ज़मीन संसाधन के आधार पर भी भेदभाव होता है जैसे कि आ, लड़कियों को लड़कों को उनकी पसंद की चीज़ें ला दी जाती हैं लड़कों को बोला जाता है कि अरे इसको इसकी ज़रूरत है लडकियां तो इससे काम चला लेंगी तो संसाधन या ज़मीन भी, भी हम लोग देखते हैं क्या है कि लड़कों के नाम की जाती है लड़कियों के नाम, नाम पे नहीं की जाती है ना तो भेदभाव होता है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है कि लड़कों को अच्छा पढ़ाया जाता है लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है या जो लड़के होते हैं उनको उनकी शिक्षा पे पैसा खर्च किया जाता है ज्यादा रोजगार या नियुक्ति के आधार पर भी किया जाता है जैसे जो लड़के होते हैं उनको कोचिंग वगैरह भेजा जाता है कि उन्हें तो नौकरी करनी है लड़कियों से बोलते नौकरी नहीं करनी आप तो शादी हो जाएगी घर देखोगे जरूरी नहीं है नौकरी करना इसके अलावा क्या है कि इस... शैक्षणिक अवसर देना स्वास्थ्य और आराम के नियम बनाए गए हैं लड़कियों लड़कियों के अलावा अलग अलग सरकारी नौकरी यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी आपने देखा होगा कि लड़कियों और लड़कियों में काफ़ी भेदभाव किया जाता है वैकेंसी के आधार पर उनकी नियुक्ति के आधार पर तो ये सारे क्या है हमारे समाज में ये भावनाएँ बना दी गई हैं और हमारे समाज जो है वो खुद ही क्या कर रहा है भेदभाव कर रहा है और ये सब क्या है लैंगिक भेदभाव के प्रकार और स्रोत हैं अब इसके कारण क्या हैं क्यों ये जो भेदभाव है वो किया जा रहा है तो तो लैंगिक भेदभाव के क्या कारण कारण सबसे पहला और मुख्य तो है कि मानव अधिकार आयोग उनके अनुसार जेंडर भेदभाव का एक मुख्य कारक धर्म है धर्म क्या है कि कई धर्म स्त्रियों को पुरुषों से नीचे स्तर पर रखता और इससे समाज में असमानता का निर्माण होता है यानी ज्यादातर धर्मों में क्या बताया गया है कि लड़कियों को जो है वो स्त्रियों को वो पुरुषों से नीचे ही रखा गया अगर आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा तो देखा होगा कि शुरुआत से ही जो पंडित थे या जो वैद्य होते थे वो सब क्या था कि उस स्त्रियों को हर चीज़ों में शामिल नहीं करते थे अगर सभा है हो रही है या किसी बात पे विमर्श बात विमर्श हो रहा है उसमें किसी में भी स्त्रियों को स्थान नहीं दिया जाता तो शुरुआत से ही जो है ये चीज़ चली आ रही है जो ये भेदभाव और समानता वो चली आ रही है दूसरा कारण है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी के कारण भी जो है लैंगिक भेदभाव किया जाता है अब पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी क्या है रूढ़िवाद रूढ़िवाद होता है कि जब किसी व्यक्ति वर्ग जाति के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो उसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं यानी रूढ़िवादी धारणा कट्टर धारणा यानी हम मान लें किसी व्यक्ति वर्ग या जाति के बारे में कि हाँ ये व्यक्ति तो भाई ऐसा है या ये वर्ग जो है वो ऐसा होता है जैसे कि आ, लोगों को लोग मान लेते हैं कि जो आ, डेली वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं उनकी तो सोच ही ऐसी होती है या लोग मान लेते लो हैं कि अरे ये अनपढ़ व्यक्ति ऐसे ही होते हैं या गरीब व्यक्ति ऐसे ही होते हैं ठीक है वो तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो ये सब क्या है ये आपकी एक रूढ़ीवादी सोच है या किसी जाति के प्रति आप मान लें कि आप मान लें कि ऊँची जाति के लोग ऐसे ही होते हैं या नीचे जाति के लोग ऐसे ही होते हैं तो ये सब जो धारणा आपने मान ली है वो क्या है वो है जबकि वो वास्तविकता नहीं है ये प्राय आधार हीन होती है ऐसा नहीं है जैसे पुराने समय में भी ऐसा ही माना जाता था था और इसी के आधार पे क्या हो गया हमारे अन, हमारे समाज में जाति पाती बन गई कि ये व्यक्ति ये काम करता है तो ये इस कैटेगरी में आता है उसको ये विचारों के आधार पर ही डिवाइड कर दिया गया और वो चीज़ जो है वो धारणा जो है वो अभी तक लोगों के मन में चली आ रही है पहले भी यही लोग मानते थे कि जो व्यक्ति कमज़ोर है वो कभी कुछ कर नहीं सकता तो ऐसा नहीं है अगर आप किसी भी व्यक्ति को सही सुविधा दो ठीक है उसको सही अपॉर्चुनिटी दो तो वो कुछ भी कर सकता है यानी ये वास्तविक नहीं है जो हमारी सोच है ये आधारहीन है पूर्वा क्या क्या होता है पूर्वाग्रह है कि हमारे पहले से ही जो विचार जो हमारे आधार पर जैसे पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव या पक्षपात करना यानी पूर्व यानी पुराने जो विचार चले आ रहे हैं सदियों से सालों से वर्षों से उनके आधार पर हम भेदभाव करते रहें जैसे ये विचार है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और लड़कियाँ जो होती हैं वो वीक होती है ये विचार कैसा है शुरू से चला आ रहा है ठीक है कि हाँ ऐसा होता है लेकिन आज जो कि सेंचुरी है उस ट्वेंटी ट्वेंटी उसमें या बीसवीं शताब्दी से क्या है? लोगों में बहुत सारे परिवर्तन आए परिवर्तन कैसे आए कि जब उसको हम प्रूव किया गया दिखाया गया ठीक है तो पहले जब आप लड़कियों को पहले टाइम ही नहीं देते थे बाहर निकलने ही नहीं देते थे तो उन्हें मौके अवसर ही नहीं देते थे कुछ चीज को अपने प्रदर्शन करने की अपने जो भी उनका टैलेंट है उसको तो आप कैसे किस बेस पर कह सकते थे कि ऐसा लड़कियाँ कमजोर होती है और लड़के जो होते हैं वो बलवान होते जब उनको अवसर दिए गए तो उन्होंने भी क्या करके दिखाया प्रूव करके दिखाया अपने आप को है ना तो पूर्वागर क्या होता है कि पूर्व के जो विचार हैं जो कि बिल्कुल कैसे हैं बेसलेस है, बेस है आधारहीन है लेकिन उनको माना जा रहा है और उन्हीं के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है लगातार तो वो पूर्वाग्रह होते हैं ये भी पूर्वाग्रह भी जो है वो क्या है लैंगिक भेदभाव का बहुत बड़ा कारण है ठीक है इसके अलावा आर्थिक कारण हो गए बहुत बार आर्थिक कारणों की वजह से भी भेदभाव किया जाता है जैसे बेचारे कोई फैमिली ऐसी जिसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को सबको बराबर इक्वल एजुकेशन दे सके तो वो बहुत बार क्या कर लेते हैं लड़के को पढ़ा देते ज़्यादा लड़की को नहीं पढ़ाते हैं मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जैसे अब लड़की जब पढ़ी लिखी नहीं है उसकी शादी हो गई है तो आ, वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको उतनी शिक्षा भी नहीं है उतना ज्ञान भी नहीं तो वो अपने आगे की जनरेशन के जो लोग हैं बच्चे हैं उसके उनको भी ना वो ज्ञान नहीं दे पाती है लड़कियों का कम आयु में विवाह हो जाना ठीक है अब उसने क्या है पढ़ा लिखा नहीं तो उसको शिक्षा की समझ ही नहीं होती है इसकी वजह से अशिक्षण होने की वजह से भी क्या है वो खुद ही भेदभाव जो है वो करने लगती है और खुद ही मान लेती है इस चीज़ को कि भाई मुझे क्या पढ़ना है पढ़ लिख के करना है आ, मुझे तो वैसे भी आगे चल के घर के काम ही करने हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वजह से इंसान अपने अपने अंदर मतलब अपने में तो भेदभाव होने ही देता है बल बल्कि समाज में भी भेदभाव करने का एक कारण बन जाता है तो इसके लिए क्या है बहुत ज़रूरी है कि हम विद्यालय एक ऐसा माध्यम है कि बच्चा हर एक बच्चा कुछ ना कुछ समय के लिए तो विद्यालय आता ही है ठीक है फिफ्थ क्लास तक एट्थ क्लास तक तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम ये जो हमारे समाज में भेदभाव फैला है उसको हम खत्म करें ठीक है तो यहां पे विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका बनती है तो उसको देखते हैं विद्यालय में लैंगिक भेदभाव देखिए सबसे पहली बात है कि जो विद्यालय होता है उसमें भी लैंगिक भेदभाव या जो जेंडर बाइसनेस है वो किया जाता है बहुत बार देखा गया है बहुत अच्छे जो स्कूल है जहाँ पे मतलब पढ़े लिखे टीचर बहुत अच्छे आए हैं जो कि चीज़ों को नहीं मानते हैं वहाँ पे कम देखा जाता है लेकिन अगर आप थोड़े से निचले स्तर के स्कूलों में देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा भेदभाव होता है क्योंकि वहाँ के जो शिक्षक है वो खुद ही उस समाज में रह रहे हैं उनके आसपास का वही माहौल है जिससे वो उभर के आ ही नहीं पाए हैं तो वो क्या है ना वो अपने स्कूल में भी वो उस चीज़ को आ, मिटा नहीं पाते हैं और खुद भी उस चीज का हिस्सा बन जाते हैं विद्यालय में किस तरह से लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है जैसे कि कई बार देखा गया कि जो अध्यापक होते हैं वह लड़कों को जो है वो ज़्यादा ध्यान देते लड़कों पर यानी अपनी क्लास में अगर कुछ पढ़ा भी रहे समझा रहे हैं तो लड़कों से ज़्यादा क्वेश्चन करते उनके विचारों को ज़्यादा सुनते हैं है ना इसके अलावा उनकी मदद जो उनकी तारीफ भी ज़्यादा करते हैं अप्रिशिएट करते उनको ज़्यादा उनको उनकी मदद भी ज़्यादा करते हैं एक्स्ट्रा उनको क्या हेल्प भी देते हैं बोल देते कई बार मेरे घर आ जाना तो मैं हेल्प कर दूँगा या क्लास के बाद मिलना तो इस तरह का वो जो भेदभाव कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हो कि आप अलग से किसी को नहीं आप पूरी क्लास में समझाओ पूरी क्लास को बराबर से देखो लड़कियों के विचारों को कम महत्व देते हैं लड़कियों से निम्न शैक्षणिक उपलब्धि की आशा करते हैं अब वो आशा करते हैं कि लड़के अच्छे नंबर लेकर आए टॉपर्स जो हैं वो लड़के ही बने फेवरेट जो होते हैं उनके वो बहुत सारे टीचर्स मोस्टली लड़के ही होते हैं उनके तो वो क्या कर रहे हैं अब वो तो खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लड़कियाँ इंटेलिजेंट हैं और लड़कियाँ जो है वो वीक है लड़कियों से कम शैक्षणिक उपलब्धि की आशा करते हैं तो ये जो जिस तरह का जो वो अलगाव या जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या है वो खुद ही जो है वो जेंडर या लैंगिक भेदभाव करते हैं तो ये अलगा विद्यालय में ख़राब प्रदर्शन असफलता और हताशा को बढ़ावा देता है जब आप ऐसा करोगे तो लड़कों के मन में तो अपने आप से ही जो है वो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा फिर वो आगे चल के जब वो टीचर बनेंगे तो वो भी ये करेंगे या अपने समाज में घर में परिवार में भी वो वैसा ही व्यवहार करेंगे क्योंकि स्कूल क्या है हम जो सीखते हैं वो स्कूल से सीखते हैं हमारी जो लाइफ है उसमें हम बहुत बड़ा समय जो है वो अपने स्कूल लाइफ में बिताते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जेंडर निष्पक्ष समाज की रचना में अध्यापक की क्या भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्त्रियों की दशा में मूलभूत परिवर्तन के लिए शिक्षा का उपयोग एक एजेंडे के रूप में किया जाएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उस नाइनटीन उसमें क्या बताया गया देखा गया कि हमारे समाज में स्त्रियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी थी उनकी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं जाता था तो इस पर इस नीति ने बोला कि जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को हमें सुधारना और ये हमारा एक मेन एजेंडा होगा नेक्स्ट है कि शिक्षक को रूढ़िवादी धारणाओं से बचना चाहिए एवं लड़कियों व लड़कों लड़कों व लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए यानी सबसे पहले तो शिक्षक को खुद ही भेदभाव नहीं करना चाहिए तब तो वो बच्चों में अपनी क्लास के बच्चों में इस भेदभाव की जो भावना है उसको मिटा पाएगा ठीक है विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाए जहाँ पे लड़के और लड़कियों को नए दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रश्न करने वाद विवाद करने के अवसर मिले यानी वो क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसे लगता है कि हम उसकी क्लास में इस तरह का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं तो वो क्या कर सकता है एक वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकता है जिसमें ऐसे इश्यूज़ को सामने लाए ताकि जो मन में चल रहा है बच्चों के ठीक है वो सामने उभर कर आए और जो भी उनके उनके डाउट्स हैं या जो भी उनके अंदर जो ये पूर्वाग्रह है गलत भाव गलत धारणाएं हैं वो उन्हें दूर कर सके कक्षा के भीतर वे बाहर लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए वे स्वयं अपने और बच्चों के व्यवहार को लगातार अवलोकन करें यानी उसे क्या करना चाहिए वो ऑब्जर्व करते रहे कि कि मेरा ऐसा तो नहीं है कि मैं जाए बायस्ड हो रहा हूं बच्चों के बीच में या किसी बच्चे को भी वो देखे कि बच्चे जो है वो भेदभाव कर रहे हैं तो आ, वो उनको क्या करें समझाए उस समय ताकि वो चीज जो है वो बढ़ ना पाए दूसरी बात है सामूहिक कार्य में भागीदारी को बढ़ावा दे तथा बैठने की व्यवस्था में भेदभाव करने से बचे यानी कि उनको अगर वो कोई काम देते तो वो ग्रुप में काम कराने की कोशिश करें और ऐसा ना हो कि बस ऐसे लड़कों का ग्रुप अलग बना दे लड़कियों का ग्रुप अलग बना दे ऐसा बिल्कुल भी ना करें मिलजुल के काम करने की भावना को बढ़ाएं और बैठने के भी सिस्टम आपने देखा होगा स्कूल में ऐसा होता है लड़के अलग लड़के लड़के बैठते हैं लड़के लड़के ऐसा कुछ नहीं अपने मन से जो चाहें बैठना चाहें वैसा बैठने की आप व्यवस्था बनाएं तो हमारे हमारे जो समाज में चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सही होंगी जैसे आप फॉरन कंट्रीज़ में देखेंगे तो शुरुआत से ही है वहाँ पर इक्वलिटी को दिया जाता है ठीक है लड़के लड़कियों को लेकर तो उनके अंदर ऐसी कोई भावना होती ही नहीं अब ये है कि अब आप देखोगे कि एक बच्ची है या एक बच्चा है जो कि बॉयज कॉलेज से पढ़ कर आया बॉयज़ स्कूल से या गर्ल्स स्कूल से पढ़ के आया लड़की है, तो वो जब को एजुकेशन में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होता है और बहुत बार क्या होता है गलत व्यवहार भी होता है क्योंकि उन्होंने वो कैसे होते हैं उस माहौल के लिए बिल्कुल भी अडेप्टिड नहीं होते इसलिए शुरुआत से ही आप उसको मतलब जैसे ही बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है वैसा ही माहौल देना चाहिए ताकि वो सब उनको नॉर्मल लगे ठीक है अध्यापक कार्य विभाजन में जेंडर भेदभाव ना करें सभी क्रियाकलाप में समान अधिकार दें ठीक है कार्य भी डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करें ऐसा नहीं कि लड़कियों को बोलो आप सफाई का कार्य करोगे लड़कों को आप बाहर का कार्य दे दो मरम्मत का कार्य दे दो इस तरह का कार्य का भेदभाव भी नहीं करना है हमें या फिर बहुत बार होता है जैसे लैब में इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने का काम लड़कों को दे देते हैं रिटिन वर्क लड़कियों को दे देते तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए पाठ्यक्रम की जेंडर संवेदना ढंग से चर्चा करें पाठ्यक्रम जो है वो भी आप सही तरीके से सबको समझाएं और आगे जो फ्यूचर के लिए अगर डिस्कशन होता है तो भी आप ये ना बोलें कि लड़कियों को कि आप जो है वो मैथ मत लो आप साइंस ले लो या होम साइंस ले लो इस तरह की भावना आप बिल्कुल भी मन में नहीं डालनी चाहिए इसी देखिए इन सब चीज़ों को हटाने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है जो कि आठ मार्च को मनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है कब मनाया जाता है तो यह दिन क्या है ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह दिन समान अधिकार के लिए तथा उनके विकास के लिए महिलाओं के संघर्ष को निरूपित करता है तो ये दिन क्या दिखाता है कि महिलाओं ने अपन समान अधिकार पाने के लिए और क्या क्या संघर्ष किए हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको फेस किया है तो और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं कि महिलाओं ने भी क्या क्या चीज़ें जो है वो अचीव किए वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए बनाया जाता है ताकि क्या है ताकि जो हमारे समाज में महिलाओं को लेके जो रूढ़ीवादी भावना है उसको दूर किया जा सके विश्व महिला दिवस महिला वैज्ञानिकों और नेताओं का जन्मदिन मनाना और लड़कियों और लड़के के मन मस्तिष्क में एक सकारात्मक और प्रेरणा छवि बनाती है तो फिर क्लास में क्या करना चाहिए आपको कि आपको इक्वलिटी का ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं आप एग्जाम्पल में सिर्फ लड़कों के या जो हमारे महापुरुष और पुरुषों के ही आप उदाहरण दे रहे महिलाओं की भी दीजिए ताकि उनके अंदर जो है वो ये थॉट ना रहे कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़के जो ज़्यादा आगे जाते हैं लड़कियाँ नहीं जाती हैं ठीक है थीके? तो यही था सारा हमारा जेंडर बायसनेस क्या है हमारे समाज में और हमारे विद्यालय में एक शिक्षक के नाते आप क्या कर सकते हैं अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक जो है कम्प्लीटली हमारा फिनिश हो जाएगा यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय